भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, इस बार भी जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचा तो भारत ने उस पर भी उसे आईना दिखा दिया। हिंदुइज्म विथ ओवर 1.2 बिलियन फॉलोअर्स, बुद्धिज्म विथ मोर देन 535 मिलियन, एंड सिखिज्म विथ ओवर 30 मिलियन फॉलोअर्स वर्ल्ड वाइड आर ऑल सब्जेक्ट टू रिलीजियोफोबिया। कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से खत्म कर। तो इस खौफ और हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है, कमर में कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना गुपोई जाती है बंद कमरों में ना, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी। इंडिया एब्सटेंड इन द यूएन जनरल असेंबली ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन इस्लामोफोबिया। इंडिया एज अ प्राउड चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म। अब इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं कि कहां जा रहा है पाकिस्तान और ये जिहाद और नफरत नॉन मुस्लिम्स के लिए? यहां से सारे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ। इंडियंस में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इस टाइम दुनिया भर में इंडियंस की डिमांड है? हमारा पाकिस्तान जो है ये पावरफुल मुल्क है, एटमी पावर भी है, और पाकिस्तान को ना तो वीजा मिल रहा है और ना ही पाकिस्तानी की इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके से रिस्पेक्ट है। दीस कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियोफोबिया are evident in the increasing attacks on religious places of worship such as gurudwaras, monasteries and temples, as well as the spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. The destruction of the Bamiyan Buddhas, violations of Gurudwara premises, massacres of Sikh pilgrims in Gurudwaras, attacks on temples, and the glorification of breaking idols in temples all contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. In this context, I would ask all member states to consider the broader scope of religious discrimination that persists globally. एक टैक्सी ड्राइवर को, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया था, तो इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब बंदा था। तो ये एक तजाद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के हाथों इस तरह का वाकया होता है तो वो दहशतगर्दी है, लेकिन अगर वही वाकया किसी दूसरे मजहब के किसी शख्स से सरजद होता है तो उसको ज़हनी बीमारी के तौर पर लिया जाता है। तो क्या ये तजाद खत्म नहीं किया जा सकता? क्या ये ऐसे वाकया जो हैं उनके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों? देखिए उसमें शाजिया, मैं उसमें फिर मजीद यही कहूंगा कि देखिए जहां भी आप माइनॉरिटी में हैं, अमेरिका के अंदर भी और जहां जहां जिन वाकयात की हम जिक्र कर रहे हैं वहां पे हम माइनॉरिटीज में हैं, माइनॉरिटीज को हमेशा मेजॉरिटी होती है जो ओप्रेस करती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, पाकिस्तान के अंदर देख लें आप कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पे जो माइनॉरिटीज है उनके साथ हालात क्या है, उनकी भी कोई नहीं सुनने वाला, अमेरिका में आपकी सुनने वाला कोई नहीं। इसमें शाजिया सबसे बड़ी बात यह, यूनाइटेड नेशन ने इसको इस्लामोफोबिया ऑब्जर्वर डे, इसका 15 मार्च इसको डे रखा गया है, इसकी वजह क्या है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर एक शहर है, वहां पे दो मसाजिद के अंदर शूटिंग हुई थी आज वाले दिन 15 मार्च को, एक मस्जिद का नाम अलूर था और एक का नाम लेनवुड इस्लामिक सेंटर था, जहां पे एक 28 साल के न्यूजीलैंडर जो इंसान था उसने शूटिंग की, 51 लोगों को उसने शहीद किया, मुसलमानों को हालते जुमा में नमाज पढ़ रहे थे, 40 से ज्यादा जख्मी थे, और फिर उसको पुलिस की गाड़ी ने अपनी गाड़ी से टकरा के रोका क्योंकि वो तीसरी मस्जिद की तरफ जा रहा था। तो इस एक खौफ और हरासत के इसके वाले दिन को उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया डे का नाम दिया है। 1.9 बिलियन मुसलमान आबाद हैं, कुछ लोग तो 2 बिलियन कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है।
और मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है खौफ, प्रेजुडिस और फिर नफरत किसी एक खास तबके के खिलाफ की जाए तो वो बिलखसूस अगर इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, तो उसको इस्लामोफोबिया कहेगा, जो के बाद में जिसको जो अगर तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए तो एक तशद्दुद की तरफ या फिर ओप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब उसमें दो चीजें हैं, अमेरिका के अंदर 911 हुआ सितंबर 11 और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक हिस्सा बन चुका है इस्लामिक कल्चर, अमेरिकन कल्चर का, और आजकल बिलखसूस गाजा की जंग है, हमास जो है उसके बारे में, और दूसरा हर वक्त जो है वो सारी दुनिया के जो मीडिया है उनको कवरेज देते हैं, तो आजकल भी इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो वाक्यात को नोट किया गया है। अब उसमें इसको कम किस तरह किया जा सकता है, इसमें इसको इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखें उसमें मैंने जो लर्न किया है अगर देखा जाए तो सबसे पहले तजर्बा इस ओप्रेशन का, प्रेजुडिस का बराक हुसैन ओबामा ने किया था कि जब आप के खिलाफ आप पहले ही लाइमलाइट में होते हैं, पहले ही आपकी दुनिया की लाइटें आपके ऊपर होती हैं, आप पे डिपेंड करता है आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव किस तरह करते हैं, आप चेंज किस तरह करते हैं, और किया जा सकता है, बराक हुसैन ओबामा ने करके दिखाया था। अब उसमें ये है कि जब आपके नाम मोहम्मद है, मेरा नाम साजिद है, आपका नाम शाजिया है, तो जब हमारे नाम देखे जाते हैं फिर जब चेहरे देखे जाते हैं तो फौरन ही हमारे ऊपर लाइमलाइट ऑन हो जाती है, तो हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, वो उसको पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। अब हमारा मजहबी और अखलाकी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दिखाएं, हम जहां नजर आए हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, हमें तालीम में आगे होना चाहिए। मैं आज बल्कि इस इस्लामोफोबिया डे के हवाले से अपने देखने वालों को खासकर ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, एक पॉजिटिव चेहरा अपना सामने रखें, हम्बलनेस रखें, बल्कि अब रमजान है, रमजान का मतलब यही है कि आप कुर्बानी दें, आपके पास अगर एक रोटी है तो आधी रोटी जो है किसी भूखे को दें, किसी जरूरतमंद को दें, और बिलखसूस जहां जहां मौजूद है अपने सियासी नुमाइंदों के साथ अपने रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने मिसाइल उनके साथ डिस्कस करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे पेश आए ताकि उन्हें पता चले कि मुसलमान दे आर गुड पीपल। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है, वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए, CAA के जो है उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहां जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज्म और क्रिश्चनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट सकते हैं, उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। हाँ वाकई जुल्म हो रहा है, जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होते हैं जो पाकिस्तान में आता है, तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के।